क्या हो गया पंचर? इस साइड कहाँ जा रहे हो आप? इधर तो कोई पंचर वाला नहीं है भाई। यहाँ पे ना फ्लाईओवर के नीचे उतरते ही उल्टे हाथ पे आप, यहाँ तो भाई दिल्ली तक कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे ना कहीं नंबर होंगे, रुक जाओ। तो ये ना आपको उल्टा जाना है, ये कहाँ है, बिल्डिंग से पहले ही है, मतलब बोर्ड जितने यहाँ से बोर्ड है बोर्ड से उतने ही आगे, आगे वाली जो बिल्डिंग है जितना यहाँ से बोर्ड दिख रहा है नीला वाला आगे वाला, उससे और आगे होगा 1 किलोमीटर के आसपास। इधर कुछ भी नहीं है भाई, इधर भूल जाओ, इधर कुछ मिलना है दिल्ली तक कुछ नहीं है। कहाँ पे ये ऊपर वाला? तो ऊपर चढ़ोगे कैसे आप पंचर गाड़ी लेके? और रॉन्ग साइड जाओगे और दिक्कत आएगी। क्या चीज? वापसी जाओ उल्टे हाथ पे। यहाँ तो वही तो मैंने पंचर है तो भाई यहाँ तो दिल्ली तक कुछ नहीं मिलेगा आपको, उस उल्टे हाथ पे जाना है आपको, फिर निकल जाओ। ट्यूबलेस है, ट्यूब वाला है ये। आप इसको चला लोगे? इसको चला लोगे बेटी को बिठाल के, बच्ची को बिठाल के इसको चला लोगे आप? मैं उसको आगे बैठ के लेके चल दूंगा वहां तक। दोस्त मैं कह रहा हूँ आप बच्ची कहाँ तक पैदल जाएगी, मैं इस पर आगे आगे वजन दे के मैं लेके चलूँगा, आप इसको चला लोगे स्कूटी को? ये पार करवा दो बस आ जाओ वहाँ तक, बच्ची साथ में ना, अभी वहाँ तक चल दो भाई, बस रोड क्रॉस करा दो बस एक बार। पंचर गाड़ियों की लड़की साथ में ना यार, कहाँ तक धक्का लगाएंगे? से बोलूँगा पाँव लटका के बैठ जाएंगे, उसको थोड़ा आगे वजन दे के चल दूँगा, फैमिली के या बच्ची साथ में कहाँ इतनी दूर जाएंगे। मैं आगे से उतर मार लूँगा, ये मुझे दे दो, मैं ना आगे वजन करके चला लूँगा। इस पाँव ऊपर मत रखना, चलाओ चलाओ, पाँव नीचे लटका के चलना भाई, क्योंकि सामान गिर जाएगा वरना। स्टैंड ऊपर करो, हाँ बेटा बैठ जाओ आप, पाँव ऊपर मत करना भाई, नीचे रखना बस। बैग आगे रख लो बेटा, बैग आगे रख दो यहाँ पे, नीले बोर्ड से आगे, आराम से बेटा आराम से, बच्ची साथ में चल दूंगा। चलो दिल्ली के लिए यही रूट है? दिल्ली तो यूटर्न है भाई, पीछे नोएडा आ गए आप। अच्छा। पीछे जाओ दिल्ली, दिल्ली में कहाँ जाना है? मेरे को जहांगीरपुरी। जहांगीरपुर तो उल्टा ही आ गया वापसी नोएडा, इधर जाओ वापसी। अच्छा। बाकी दिल्ली एक यही, यहाँ से लेफ्ट नीचे उतर रहे, मैप पे देख लो दोस्त एक बार, जहांगीरपुरी के आसपास बताना कोई एरिया। वही अपना बुराड़ी, बुराड़ी की साइड आ गया ये यार, जहां बाईपास चौक अपना, जहां बाईपास करना, जहां पर वो करनाल रोड ना, जीटी करनाल रोड वाला, वही यहां पर खट्टा सा बना हुआ गंद का, वो भी करो आंख लगवाना, अपने घर के लिए गाड़ी में जाओ। तो फिर आप एक काम करो, यहां से जाके ना लेफ्ट लेना, नीचे उतरना। अच्छा। नीचे उतर के सीधा सीधा निकल जाओ, आप निकलोगे आईटीओ वाले रास्ते पे, राजघाट वाले रास्ते पे, गीता कॉलोनी वाला रास्ता जाएगा, सीधा जाओ पहले ही लेफ्ट ले लेना आप, वो रोड सीधा जाएगा गीता कॉलोनी होता हुआ। अच्छा। वहीं से निकल जाओ, रास्ता समझ जाओगे देख के। ये वाला, ये तो आश्रम जा रहा है पीछे, रजौरी गार्डन वगैरह सब घूमता हुआ। अच्छा।
जाम में लगा इस रास्ते में। अच्छा, गाड़ी के जो नहीं मिलेंगे। अरे चल दो ना, क्या दिक्कत है बेटा, बैठ जाओ ना आप आराम से। आपने देखा आग लगवाना तुम कर। अरे नहीं, बात पैसों की नहीं दोस्त, तो साथ ही चल दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो अपने काम से फिर निकल जाऊँगा, टाइम लग जाएगा मुझे, देर हो जाएगी। बिठा लो बच्चे को, बेटा बैठ जाओ ना इस पे, देर हो जाएगी ना, मैं निकल जाऊँगा फिर आपको छोड़ के, और कोई बात नहीं है। बेटा बैग ना आगे रख दो, इसके बीच में डाल दो, बस बस हल्कल के चलना, चलते रहेंगे सब। बेटा गिर रहे हो, चलिए ऐसे खड़े होकर चला लेंगे। तो आदत है ले जाने की, ऐसे पीछे सामान भी रखा हुआ है इन्होंने। इनसे पूछ लेते ना, सर यहाँ पंचर वाला बैठा हुआ कहीं? पंचर वाला है यहाँ पे? है? गार्ड साहब। तो यहाँ पे हो गई थी GoPro की बैटरी डाउन, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वहाँ पे गार्ड साहब को बुलाया, तो बट उन्होंने कहा पंचर वाला तो आज है नहीं यहाँ पे। फिर ऐसे ही लेके कम से कम मैं लेके गया, कोई 2.5 किलोमीटर के आसपास है जहाँ अंडर पास आता है, वो रजनीकंदा अंडर पास कहते हैं, जहाँ नोएडा की एंट्री हो जाती है। बिजली एंट्री तो टोल से पे ही हो जाती है, तो वो जो रजनीकंदा अंडर पास आता है जो दिल्ली और नोएडा के बीच जाते हैं, बहुत पता होगा, तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में मैकेनिक है ये वाले, तो यहाँ पे उनको छोड़ दिया। उसके बाद जो उनका फेस था ना भाई, स्पीचलेस, मतलब आप, मैं लफ्ज़ों में बना नहीं कर सकता। होप अगर उस टाइम पे वीडियो मतलब होती ना, GoPro मेरा ऑन होता, तो आप खुद बोलते मतलब अलग ही फील आती, मतलब आँखों से ना मतलब आंसू आ जाते, वो वाली फीलिंग थी, तो नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी भाई। बाकी जितना हो सके, जैसे हो सके, एक दूसरे काम आओ जिंदगी में, और कुछ नहीं रहता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वी आर वन प्राउड टू बी इंडियन।